अगली खबर की ओर आगे बढ़ती है और महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति का मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर आज फैसला होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी और इससे पहले पूर्व CM OP चौटाला गुरुवार को खुद व्हीलचेयर पर कोर्ट में पहुंचे। चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से वो बीमार हैं। उनके पास 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90% दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते हैं। इससे पहले JBT भर्ती मामले में भी जेल में सजा काट चुके हैं। वहीं CBI के वकील ने दलील दी है कि पूर्व CM को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा। तो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व CM OP चौटाला को आज राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, सजा सुनाया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला देखा गया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता OP शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। OP का रुख करेंगे। OP, आय से अधिक संपत्ति का मामला एक बार फिर से देखने को मिला है हरियाणा के पूर्व सीएम जिनको लेकर के आज कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकता है। क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए ईश्वर, साल 2004 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए जो ओम प्रकाश चौटाला हैं उनके ऊपर JBT भर्ती घोटाले की जो है जांच CBI ने शुरू की थी, और इसी दौरान उनको कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसके अंदर मनी का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का उनको शक था। तो उसके बाद उन्होंने ED कोर्ट को उसकी सूचना दे दी थी। उसके बाद ED ने इस पर कार्रवाई करती है, मामला जो है दर्ज किया है। साथ में यह भी कहा जाता है कि जो कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला है, उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला ने एक चार्जशीट बनाकर जो है वो ED कोर्ट को भेजी थी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं फैसला चल रहा है। जहां तक ओम प्रकाश चौटाला के भविष्य की बात करें तो इस फैसले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, क्योंकि पिछले ही साल जून या जुलाई में वो अपने 10 साल की सजा जो पूरी करके आई थी, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है कि यदि आप एक फैसले के अंदर सजा याफ्ता है, जेल के अंदर है, और दूसरे में आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो आपकी उस अवधि को भी जो जेल की अवधि जो है वो मानी जाएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, और जो कल ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से इस तरह की दलीलें दी गई, साथ ही उनके उम्र का लिहाज और उनको जो बीमारियां हैं उनको पेस मेकर लगा हुआ है, तमाम तरह की जो है जो दलीलें उनकी तरफ से देकर सजा कम से कम करवाने का फैसला किया। वहीं सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक नजीर बनेगा, शायद उसके बाद से ही अपने आप का पहला केस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। वहीं अगर इस मामले की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। उसके अंदर भी ट्रायल जो है काफी नजदीक फैसले की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी OP, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है उनके हालातों को, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, वकील ने ये भी दलीलें दी हैं कि पूर्व CM को कम सजा देने से एक तरह से गलत संदेश जाएगा। देखिए ऐश्वर्या, अगर हम हमारे कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जब सजा के ऊपर बहस होती है तो दोनों, जब पहले दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद सजा के ऊपर जब बहस होती है तो दोनों पक्ष अपने अपनी दलीलें देते हैं। जो आरोप अभियोजन होता है वो कहीं ना कहीं सख्त सजा देने की मांग करता है, और वहीं बचाओ पक्ष के वकील जो ऐसे ऐसी दलीलें देते हैं कि जिससे जो है उस सजा कम हो। अब कोर्ट जो है तमाम तरह की दलीलों को सुनने के बाद ही अपना जो है फैसला देगा। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।